भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। उनकी जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन की ओर से इसका ऐलान किया गया। कर्पूरी ठाकुर को उनकी लोकप्रियता के कारण जननायक कहा जाता था। इनके पिता गोकुल ठाकुर गांव के सीमांत किसान थे और अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम करते थे। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा होने पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार में सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। भारत सरकार को मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से और समाजवादियों के सहयोगी जो मांग रहे थे उनकी तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से और बिहार की 15 करोड़ जनता की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कर्पूरी ठाकुर ने करीब 2.5 साल जेल में बिताए। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कराने की पहल की थी। कर्पूरी ठाकुर सरल हृदय के राजनेता माने जाते थे और सामाजिक रूप से पिछड़ी जाति से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने राजनीति को जनसेवा की भावना के साथ जिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।